तो क्या हाल है गाइस, आप सभी लोगों के आई होप एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज गाइस जो है अभी अभी अपना जो पीसी है बेचारा वो बीमार हो चुका है, तो इसीलिए मैं इसको रिपेयर कर रहा था थोड़ा बहुत। और मैं भी इसको रिपेयर करने में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट फिर भी देखते हैं थोड़ा बहुत जुगाड़ वगैरह करके देखते हैं, मतलब गए चलिए इसको थोड़ा बहुत रिपेयर करके देखते हैं, और अगर हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ये गए चलो इसके अंदर ये जो यहाँ पे हमारी जो जो बूट वाली प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी आ रही थी, मैं थोड़ा सा इसको रिपेयर कर रहा था और शायद ये हो चुका है। मैंने क्या किया ना, इसकी ये जो केबल है ना ये वाली, तो इनको निकाल के मैंने दोबारा लगाया, भाई साहब ये अब चल चुके हैं। उसके बाद ये बोला था आपने अभी तक सही अपना बूट सिलेक्ट नहीं किया, ये वो पता नहीं। ठीक है, तो उसको अच्छे से फिर मैंने थोड़ा वो सेट वेट किया, तो अब ये देखो यहाँ पे भाई साहब ये चल चुका है फाइनली। प्लीज वेट, यहाँ पे आ रहा है, तो देखते हैं चलता है नहीं चलता। फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, काफी टाइम से इसको मैं रिपेयर कर रहा था और भाई साहब फाइनली 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 चल चुके हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा टाइम हो गया इसको करते करते, बहुत सारे देखे मैंने क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी इसके अंदर, जो भी थी वो सारी सेट की है। वैसे सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं था, और भी एक दो चीजें मैंने सही करी हैं। ये पंखा भी कह अच्छे से नहीं लगा हुआ था, ठीक है, तो इस पंखे को भी मैंने थोड़ा सा सही तरीके से लगा दिया, थोड़ा सा उतरा हुआ था, एंड अब इसको लगाया और उसके बाद इसको लगाया और फाइनली ये चल चुका थोड़ी बहुत सेटिंग वेटिंग करने के बाद। अभी क्या इशू है, जैसे आपने थंबनेल टाइटल के अंदर देखा हमारे पास आया एक नया पार्सल, ठीक है, और इसके अंदर क्या है भाई साहब, बहुत ज्यादा मजेदार चीज है और काफी दिनों सोच रहा था गाइस इसको बाय करने का, फाइनली गाइस ये आ चुका है। मैंने ऑर्डर कर दिया था, और आपने अगर पुराना व्लॉग देखे, एक दो दिन पुराना व्लॉग देखे तो आपको पता होगा कुछ दिन पुराने व्लॉग के अंदर मैंने ये बोला था, मतलब मंगाया था, ठीक है, और आपको बताया भी था क्या ऑर्डर कर रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनली आ चुका है, आप देखने वाले इसके अंदर क्या, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, फटाफट से गाइस कुछ कैंची वैची लेके आता हूँ और फिर देखते हैं खोल के, और इसीलिए मैंने जो है ना यहाँ पे इसके अंदर गाइस कैंची, और आपको बता दूं वो जो अपना यहाँ पे कंप्यूटर है ना उसको भी इसीलिए रिपेयर किया, मतलब थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा था, खराब हो रहा था, मतलब खराब हो रखा था, चल नहीं रहा था, फाइनली ये चल चुका अपना सिस्टम। और अब यहाँ पे इसी के रिलेटेड कुछ सामान मैंने ऑर्डर करा है, ठीक है, और ये आप देखोगे यहाँ पे राइटिंग मशीन बनाई थी, इसके अंदर लगने वाली वो चीज है, बहुत सारे लोगों ने गैस कर लिया होगा, ठीक है, और इसके बगैर बेचारी वो राइटिंग मशीन चल नहीं सकती, और मतलब उस चीज के बगैर, ठीक है, ये लगेगी उसके बाद वो राइटिंग मशीन इसके बगैर नहीं चलेगी, ठीक है, इसलिए मेरे को उसको रिपेयर करना पड़ा। और अब बारी इसको फटाफट से खोलने की, चलो फटाफट से ऐसा करता हूँ ट्राइपॉड पे लगा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ। तो चलो अभी कैसे इसको खोल के देखते हैं, यहाँ से खुलेगा, ठीक है, यहाँ से खोल लेते हैं। फाइनली ये गाइस कट हो चुका है, और ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैंने खुद के लिए इसको ऑर्डर करा है, एंड इसके अंदर भाई साहब कैसे खुलेगा, एक तो यार पैकिंग बहुत तगड़ी कर देते हैं, ठीक है, तो फाइनली भाई साहब ये खुल चुका है, एंड ये रहा एड्रेस जिसको कि मैं रख दूंगा साइड में, ठीक है, और ये आ चुका है भाई साहब डिब्बे के अंदर, डिब्बा निकले, ये हमारा पोपट कर रहे हैं क्या, नो इट इज पॉसिबल, इट इज मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब बढ़िया पैकेजिंग के लिए यहाँ पे ये रहा अमेजोन का, और ये गैस शायद कंपनी वालों का होता है, नहीं गैस ये भी अमेजोन का ही है, ठीक है, मेरे को नहीं पता, ठीक है, चलो अभी इसको ओपन करके देखते हैं, एंड देखते हैं वो चीज़ काम करती है या नहीं करती, एंड क्या आइटम है, बहुत सारे लोगों ने गैस कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी दिखा देता हूँ पता चल जाएगा। फाइनली ये गैस खुल चुका है, और यहाँ पे आ चुका है हमारे पास आर्डिनो, और भाई साहब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पे केबल अलग आ रही है, आर्डिनो अलग आ रहा है, ठीक है, तो मैं भी देखा है हैरान हो चुका हूँ ये अलग अलग कैसे आ रहा है, वरना कैसे ना कई कई बार ऐसा होता है ये केबल भी एक ही पैकेट के अंदर होते हैं जिसके अंदर आर्डिनो होता है, शायद ये अलग अलग हमने हमें मतलब भेज दिया, ठीक है, तो चलो अब इसको खोल के देखते हैं। ये मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि मेरे पास जो पहले वाला आर्डिनो था ना वो बेचारा खराब हो गया था, और अब मैंने इसलिए नया मंगाया ताकि आपके लिए बढ़िया बढ़िया से प्रोजेक्ट वगैरह बना के दिखा सकूँ मस्त मस्त, ठीक है, और देखो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, वैसे क्वालिटी का देखने में तो मतलब बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है, बट इसका जो है ना देखते हैं अभी ये काम कैसा कर रहा है, इसके अंदर कोड अपलोड हो रहा है भी या रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता ना कि हम आर्डिनो मंगवा लेते हैं और बाद में उसके अंदर कोड अपलोड नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे साथ काफी बार हो चुका है कि मैं मतलब बहुत सारे आर्डिनो मंगाया हूँ और गए उसके अंदर
कोड अपलोड नहीं होते हैं, उसके बाद मैं उसको रिटर्न कर देता हूँ, इसीलिए तुरंत मैं चेक कर देता हूँ फटाफट से आने के बाद। कोई भी चीज अगर मैं ऑर्डर करता हूँ ना तो फटाफट उसको चेक जरूर करता हूँ, ठीक है, वरना कहे जो ना मतलब ये बहुत महंगा भी आता है, लगभग 400-500 रुपए का भाई साहब ये आर्डिनो आता है, मैंने इसको 500 रुपए का खरीदा है, ठीक है। तो यार आप लोगों के लिए इसको खरीदा अब प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए, काफी दिन से सोच रहा था इससे मस्त सा एक प्रोजेक्ट बनाने की आर्डिनो का, और फाइनली आ चुके हैं, और अब इसको हम राइटिंग मशीन के अंदर लगा के देखेंगे, और मतलब अब नहीं लगा के देखेंगे, अब तो गई मैं इसका डायरेक्ट वीडियो मेन चैनल के ऊपर डालूंगा, जिसको नहीं पता मेरे कोर चैनल जिसका नाम है प्रज्वल रोबोटिक्स, जहाँ पे आपको काफी बड़े बड़े तरीके के प्रोजेक्ट वगैरह बना के दिखाता हूं। तो ये राइटिंग मशीन मैंने उस चैनल के ऊपर बनाई थी, पार्ट वन इसका ऑलरेडी आ चुका है, जिसके अंदर मैंने जो है ना इस मशीन को प्रॉपर बनाया था, बहुत ही मेहनत लगी इसको बनाने में, तो अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो मेन चैनल के ऊपर वीडियो देख सकते हो। एंड अब बारी है इसकी टेस्टिंग की, पार्ट टू के अंदर हम देखेंगे कि इसका सॉफ्टवेयर काम मतलब कैसे करता है, मतलब किस तरीके से सॉफ्टवेयर का यूज करके हम इसको चला सकते हैं, एंड ये कैसा काम करेगी सब कुछ देखेंगे, वो हम सीधा मेन चैनल के ऊपर देखेंगे। अब बारी है इस फटाफट से कोड अपलोड करके देखने की, अब फटाफट से इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे, लग जा भाई साहब, एक तो एक हाथ से काम करने में बहुत दिक्कत होती है, फाइनली ये चल तो चुका है, अब यहाँ पे देखने की बारी है कि इसके अंदर कोड अपलोड होता है या नहीं होता। फटाफट से मैं एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे गई एप्लीकेशन ओपन मतलब सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, अब इसको सॉफ्टवेयर को ओपन होने देते हैं और फिर कोई भी एग्जांपल में से कोड अपलोड करके देखते हैं, अगर होगा तो भाई साहब बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं होगा तो फिर गई हमारा टाइम खराब होगा इसको रिटर्न करने में, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हमारा आर्डिनो कैसा काम कर रहा है, फटाफट से ये GRBL अपलोड है, ये कैसे ना वैसे इस राइटिंग मशीन का ही कोड है, ठीक है। तो ये फाइनली मतलब ओपन है, तो अगर यही हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे दिखा दो आपको, ये रहा, यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है इसकी, ये वाली कैसे ना देखो ये वाली लाइट ब्लिंक हो रही है, और फटाफट से कैसे ना कोड अपलोड कर देखते हैं, पहले यहाँ पे आपके सामने कैसे ना कोड अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो यार ये क्लिक ही नहीं हो रहा, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा दोबारा, यहाँ पे ओपन हो चुके और ये पोर्ट आ चुके, एक तो ये फोकस भी नहीं करता कैमरा 7, और बस हो चुका है फाइनली। अब फटाफट से कोड अपलोड करके देखता हूँ और देखते हैं काम करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे देखो गाइस कोड अपलोड पे लगा दिए, कंपाइलिंग हो रहा है यहाँ पे देखो, और ये शायद थोड़ा अपलोडिंग होने में टाइम लेगा, चलो इसको अपलोड पे लगा के थोड़ा देर लॉक बंद करता हूँ वरना बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको टाइम लेगा ये थोड़ा होने में, और जब हो जाएगा तो आपको मैं बताता हूँ। बहुत ही ज्यादा खुशखबरी की बात है भाई साहब की कोड अपलोड हो चुके हैं, देखो यहाँ पे लाइट ब्लिंक होना बंद हो चुकी है, यहाँ पे देखो भाई साहब डन अपलोडिंग एंड फाइनली कोड अपलोड हो चुके हैं। अब गए जो ना इसको मतलब अब जो है कई बार ऐसा भी होता है कि एक बार कोड अपलोड हो जाता है उसके बाद दोबारा होता नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बार मतलब और कोई सिंपल सा कोड अपलोड करके देखता हूँ। अभी हमने यहाँ पे GRBL कोड अपलोड करके देखा, और अभी यहाँ पे कोई दूसरा ब्लिंक कोड, यहाँ पे लाइट ब्लिंक वाला मतलब जो ना इसके अंदर जो लाइट लगी रहती है ना वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी जब हम इस कोड को अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाइलिंग पे लगा दिए, ये हो रहा है, और फटाफट से दूसरा कोड भी अपलोड करके देखते हैं, अगर ये भी होगा तो हमारा मतलब जो आर्डिनो एकदम परफेक्ट है। देखो यहाँ पे डन अपलोडिंग, फाइनली ये कोड भी अपलोड हो चुका है और हमारी लाइट यहाँ पे ब्लिंक होना शुरू हो चुकी है, देखो यहाँ पे, तो मतलब हमारा कोड अपलोड हो चुका है, ठीक है। मतलब हमारा कोड एकदम मस्त काम कर रहा है और ये आर्डिनो में एकदम मस्त काम कर रहा है, बहुत ज्यादा बढ़िया खुशखबरी हो चुकी है। एंड अब फाइनली हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो चुका है, ठीक है, हमें रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा फायदा अब वीडियो जल्दी आएगा, ठीक है, मेन चैनल का मैं बनाने वाला हूँ ये राइटिंग मशीन का पार्ट टू। तो अभी गाइस जो है शाम के लगभग 7 बजने वाले हो चुके हैं, एंड गाइस जो है फाइनली हमारी मेन चैनल की वीडियो बन चुकी है। यहाँ पे जो राइटिंग मशीन थी ना, यहाँ पे मैंने इसके अंदर आर्डिनो लगा के इस मशीन को पूरा कंप्लीट कर दिया, एंड इसको मैंने चला के भी दिखा दिया अपने मेन चैनल की वीडियो के अंदर। तो जब आप ये ब्लॉग देखोगे ना उससे एक दिन पहले वीडियो आ चुका होगा रात को, मैं अभी जो है जस्ट अभी अपलोड करने वाला हूँ उसको, लगभग 7:30 बजे अभी 7 बजने वाले है ना, तो मतलब जिस दिन ये ब्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है, आप देख रहे हो कि वो तो अगला दिन होगा, ठीक है। तो जिस दिन ये ब्लॉग बना रहा हूँ ना अभी 7 बज रहे हैं, तो 7:30 बजे अपलोड कर दूंगा, तो जिस दिन आप ब्लॉग देखोगे उससे एक दिन पहले वीडियो आ चुका होगा, जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा। और अभी कैसे ना आप लोग जाते जाते अपने आइडियाज वगैरह कमेंट करके बताना, मैं इन सब सामानों का यूज करके, ठीक है, आर्डिनो का क्या बना सकता हूँ, ठीक है, आर्डिनो का क्या मस्त मस्त प्रोजेक्ट वगैरह आपके लिए लाऊं, मेरे पास ब्लूटूथ भी है
एंड कीपैड भी है, बहुत सारे आइटम है। तो मेरे को बताना, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए मस्त सा एक प्रोजेक्ट के बारे में बनाने की, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को बनाने की जो आप लोग बोलोगे, ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा। चलो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेन चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जहां पर आपको मस्त मस्त प्रोजेक्ट वगैरह मिल जाएंगे। मिलते हैं आपको नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।